हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग आई एम सोनिया जसवाल पीजीटी मैथमेटिक्स तो आज है आपका डे फोर फोर क्लास नाइन्थ तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ और कुछ नए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, स्टूडेंट्स तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो बच्चे आर रहे हैं और वो ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो इस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए इनके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दे रखा है उस पे आप कांटेक्ट करिए ओके स्टूडेंट्स हमारे जो लाइव क्लास के सेशन है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं तो एक जो हमारा बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है और दूसरे के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है तो देर मत कीजिए जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए बैच को ज्वाइन करिए ओके स्टूडेंट्स तो चलिए लेट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यू नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल की हम बात करें तो इसमें मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स हाउ टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ठीक है तो यहां पे आपकी जो चेक होती है मेंटल एबिलिटी कि आप कितना कर सकते हो या आप कितनी आपके अंडरस्टैंडिंग पावर है कितनी आप स्टेटमेंट को रीड कर सकते हो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द इक्वेशन हाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फर्स्ट वी विल रीड केयरफुली आफ्टर दैट वी विल फाइंड इट इज इट क्लियर सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट दिस इज आर लाइव सेशन क्वेश्चन आर डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन फॉर एजेस बेस्ड राइट बात करते हैं इसके लिए अर्पिताज प्रेजेंट एज इज थ्राइज ऑफ शिल्पा अर्पिताज प्रेजेंट एज इज थ्राइज ऑफ शिल्पा तो इट मींस आर टू रिलेशन बिटवीन द एजेस अर्पिता एंड शिल्पा अर्पिताज प्रेजेंट एज डिपेंड किस पे है शिल्पा पे तो हमें लेट करना पड़ेगा शिल्पा की एज को लेट शिल्पाज एज लेट शिल्पाज एज Yes, शिल्पा की एज हम क्या अलैक्ट करेंगे वेरिएबल इट मीन एक्स तो अर्पिता की एज क्या हो जाएगी जो अर्पिता है उसकी एज क्या हो जाएगी अर्पिताज एज हो जाएगी thrice of shilpa, यानी थ्री एक्स अब उसने बोला इफ अर्पिताज एज थ्री टाइम्स एगो वॉज एक्स इफ शिल्पाज एज थ्री इगो वॉज एक्स अब तीन साल पहले उसने बोला कि उसकी एज क्या है x तो आपको अर्पिता की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो शिल्पा की एज क्या है तीन साल पहले थी x तो अब ये प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी x प्लस थ्री इज इट क्लियर तो अर्पिता की एज क्या हो जाएगी थ्री टाइम x प्लस थ्री राइट क्योंकि उसने बोला शिल्पा की तीन साल पहले जो एज थी वो एक्स थी तीन साल पहले की अगर बात करें वो एक्स तो प्रेजेंट एज में आ गई वो प्लस क्योंकि तीन वो क्योंकि ऐड हो गए अब शिल्पा की जो बात कर रहा है अर्पिता की वो बात कर रहा है कि अर्पिता जो है वो शिल्पा की एज का थ्री टाइम्स है तो इट मीन थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री दैट इज अ प्रेजेंट एज ऑफ अर्पिता इज इट क्लियर एवरी वन ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर The digit of tens place of two digit number is three more than the digit in the unit place. Now, what is the question? You know that we have two digit number, right? So one digit is once digit and other is tens digit. The combination of two digit that is called two digit number. Okay. Ones digit hota hai, aur ek hai hota hai, digit and tens digit. Now, what is the question? Kya bola hai? The digit इन द टेंस ऑफ टू डिजिट नंबर जो टेंस पे डिजिट है तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट को मैंने लैट कर लिया एक्स तो टेंस डिजिट क्या है उससे जो टेंस डिजिट होगा उस वो क्या होगा थ्री मोर यानी एक्स प्लस थ्री अब उसने बोला द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज बी <coughs> यूनिट प्लेस को उसने बी बोला है तो आपको बी लेना है यहां तो यहां ले लिया बी यहां भी ले लिया बी ओके अब आपने यहां बी ले लिया <coughs> तो नंबर तो बताइए नंबर का क्या फॉर्मूला होता है वी कैन फाइंड द नंबर टेन इनटू टेन्स डिजिट राइट प्लस वन डिजिट टेन इंटू टेन्स डिजिट प्लस वन डिजिट राइट एक मिनट टेन इंटू टेंस डिजिट प्लस वन डिजिट ये फॉर्मूला होता है आपका तो करिए टेन इंटू बी प्लस थ्री प्लस कितना आ जाएगा आपका

Is equal to, कहते है, इनका जो सम है वो कितना है थ्री फिफ्टी सेवन तो करिए कितना आ गया अब हम क्या करेंगे अब आप करिए ऐड ऑन कर दीजिए इसको तो क्या आ जाएगा आपका अब आप जब इसको एड ऑन करोगे तो आपका आ गया ट्वेंटी वन एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी सेवन राइट अब ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी सेवन माइनस ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल टू सिक्स थ्री थ्री

सिक्सटीन इंटू सेवन वन हंड्रेड ट्वेल्व इज द राइट आंसर सो ऑप्शन ए उसने पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल सो स्मोलेट मल्टीपल क्या आ गया आपका वन हंड्रेड ट्वेल्व इज द राइट आंसर इज इट क्लियर एवरी वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज थ्री अब टू डिजिट नंबर है

ये ऑप्शंस आपके मिस प्रिंट हो गए हैं वैसे तो चलिए आप नॉर्मल वैसे अगर करना है तो कैसे करेंगे उसने बोला है द डिफरेंस अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की डिफरेंस इसमें दे रखा है थ्री डिजिट थ्री तो इट मींस अगर यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है एक्स और टेंस डिजिट क्या होगा एक्स प्लस थ्री यही होगा कि नहीं अब अगर नंबर की बात करें तो नंबर क्या आएगा और अगर नंबर का मैं इंटरचेंज कर दू क्योंकि इंटरचेंज की बात कर रहा है तो इंटरचेंजिंग नंबर क्या आएगा अब टेन इंटू एक्स करूंगी मैं प्लस वंस डिजिट यानी एक्स प्लस थ्री तो कितना आएगा इलेवन एक्स प्लस थ्री ये आ गया अब उसने बोला है एड टू ओरिजिनल नंबर अगर इंटरचेंज नंबर को ओरिजिनल नंबर में एड कर दे मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इलेवन एक्स प्लस थर्टी इसमें एड कर दें इलेवन एक्स प्लस थ्री तो नंबर कितना हो जाता है वन फोर्टी थ्री राइट तो करिए आप ट्वेंटी टू एक्स

देखो डिफरेंस भी डिजिट में क्या है थ्री का है अगर ऑप्शन होते तो आप वैसे सॉल्व करते ठीक है कुछ और क्वेश्चन आएंगे उसमें बताती हूँ कि ऑप्शन वाइज अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे ओके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब देखो बेटा इसमें उसने बोला द एजेस ऑफ राजू एंड रमन एजेस ऑफ राजू एंड रमन आर इन रेशो फाइव रेशो एट क्लियर तो इसमें जो राजू की एज है राजू की एज कितनी है फाइव एक्स और रमन की एज रेशो दे रखा है तो इट मींस ये हो गई फाइव एक्स और ये हो गई एट एक्स एट एक्स अब उसने बोला इफ राजू वॉज फाइव ईयर ओल्डर देन रमन फोर ईयर यंगर उसने क्या बोला इफ राजू ओल्डर एंड रमन यंगर द एज ऑफ राजू वुड बीन सेम दैट ऑफ रमन अब उसने बोला कि अगर जो राजू है वो क्या हो जाए अब उसने बोला राजू जो है वो क्या हो जाए ओल्डर मतलब एड हो जाए तो एंड रमन क्या हो जाए फोर ईयर यंगर रमन जो है वो एट एक्स है वो फोर ईयर क्या हो गया यंगर हो यंगर uh, हो गया मतलब छोटा हो गया तो कहता है द एज ऑफ राजू सेम द एज ऑफ रमन मतलब अगर हम राजू इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राजू में एज में फाइव ऐड कर दें और रमन की एज को क्या कर माइनस यंगर के लिए वही होता है ना छोटा माइनस कर दे तो वो उनकी क्या हो जाती है सेम तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और एट माइनस क्या हो जाएगा फाइव एक्स राइट तो कितना आ गया थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन देन एक्स इज इक्वल टू नाइन अपॉन थ्री विच इज इक्वल टू थ्री ठीक तो उसने पूछा व्हाट इज द एज ऑफ राजू तो राजू की फाइव एक्स थी फाइव थ्री फिफ्टीन ईयर इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाएगा नाउ नेक्स्ट वन द एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर प्लॉट इज वन फिफ्टी मीटर एंड द पेरीमीटर इज पेरी अब देखो आपको क्या दे रखा है एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर प्लॉट is 150. You know that what is the area of rectangular plot? L into b. Area क्या होता है rectangle का? L into b. And perimeter. क्या होता है perimeter? 2l plus b. Is equal to 50. 2 उधर multiply हो रहा है इधर आके divide. तो it means क्या बन जाएगा? L plus b is equal to 25. अब आपको two ऐसे number find out करने हैं जिनका product 150 आए और एड करे तो कितना आए ट्वेंटी फाइव मतलब कोई ऐसे दो नंबर अपने माइंड में सोचिए कि मल्टीप्लाई करे तो कितना आए आए और प्लस तो तो कितना इट्स वेरी इजी ठीक है तो फिफ्टीन और टेन दो नंबर इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन फिफ्टी आएगा और एड करोगे तो ट्वेंटी फाइव आएगा तो इट मीन ये लेंथ हो गई और ये क्या होगी ब्रेथ तो उसने बोला फाइंड इट्स रेशो जब आपने इसकी रेशो फाइंड करनी है ये फाइव से कैंसिल होके थ्री रेशो टू इज द आंसर सो ऑप्शन यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इट्स वेरी इजी मतलब आप वहां पे ये नहीं कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप अप्लाई करिए माइंड कि दो नंबर ढूंढना कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 150 आए और ऐड करें तो 25 तो आपको नंबर ढूंढने हैं वो इस हिसाब से करना है ना कि वहां पे सॉल्व करने बैठना है इज इट क्लियर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं बीच में इसीलिए आपको करवा रही हूँ ताकि अच्छे से करिए ताकि आपकी हेल्प हो सके आप कैसे कितने इजी वे से उसको सॉल्व कर सको ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो अब आपको फोर एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के 2:3:5:8 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम क्या होता है यस yes. 360 डिग्री राइट right? अब वो बात कर रहा है डिफरेंस किसकी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 2 निकाल लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा स्मॉलेस्ट एंगल होगा आपका 2 अपॉन इन सभी का सम 3 2 5 5 10 8 18 2 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 360 ऐसे करते हैं ना जो निकालना है पूरी रेशियो को ऐड करके अपॉन 360 तो कितना आ गया एटीन ट्वेंटी आंसर तो ये आ गया स्मॉलेस्ट एंगल ऐसे ही ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा ग्रेटेस्ट एंगल अगर ग्रेटेस्ट एंगल की बात करें तो क्या होगा एट अपॉन एटीन मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी तो एटीन ट्वेंटी वन सिक्सटी तो कितना आ गया वन सिक्सटी तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है इन दोनों में 120 डिग्री का तो आंसर इज डी ऑप्शन 120 डिग्री तो मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है वहां ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहां पे टाइम इतना लगाए तो उस चीज का खास ध्यान रखना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एबीसीडी इज अ पैरलोग्राम हैविंग इट साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए यू नो दैट वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरलोग्राम यस, एनीवन, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरोलोग्राम यू नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ अलोग्राम आर इक्वल राइट? तो ए, बी, सी, डी, ये आपको दे रखा है ए बी कितनी है? 3x प्लस वन बी सी कितनी है 2y वाई प्लस थ्री सी डी कितनी है 25, फाइव ए डी कितनी है y प्लस ट्वेंटी ठीक है तो आपको पता है ओपोजिट साइडर थ्री एक्स प्लस टू ट्वेंटी एट इज इक्वल टू टू वाई प्लस थ्री थ्री उधर जाके माइनस हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वाई तो अब ट्वेंटी फाइव टू वाई इज इट क्लियर तो अब आपको क्या करना है उसने पूछा फाइंड एक्स प्लस वाई तो एट प्लस ट्वेंटी फाइव आप एड करेंगे तो वॉट वी विल गेट थर्टी थ्री इज द राइट आंसर इज इट क्लियर एवरी वन चले नेक्स्ट क्वेश्चन की और हां जी ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर इज सच दैट ग्रेटर देन ट्वेंटी सेवन एंड लेस देन थर्टी फाइव आपको यह बताना है कि कौन सा नंबर है इसमें जो ग्रेटर देन क्या है ट्वेंटी सेवन एज इट इज लेस देन थर्टी फाइव हाउ यू कैन फाइंड इट येस फाइंड इट फास्ट हाउ यू कैन फाइंड इट

नहीं एक मिनट यहां पे आपने किया ट्वेंटी सेवन लेस और यहां मैं करूंगी थर्टी उसने बोला है लेस देन थर्टी फाइव लेस देन क्या है थर्टी फाइव तो मतलब आपका आएगा थर्टी फाइव माइनस एक्स मतलब थर्टी फाइव में से अगर हम एक्स उतना लेस करें मतलब एक नंबर है वो एक्स नंबर है ठीक है वो क्या है ग्रेटर है कितना ट्वेंटी सेवन ग्रेटर है तो उस नंबर में अगर मैं ट्वेंटी सेवन माइनस कर दू वो नॉर्मल नंबर आ जाएगा लेकिन वो कहता है जितना ग्रेटर है थर्टी फाइव से वो नंबर उतना ही लेस तो थर्टी फाइव माइनस क्या कर दिया हमने एक्स तो अब क्या करेंगे एक्स को इधर लिया एक्स प्लस एक्स का बन गया प्लस ट्वेंटी अपॉन टू थर्टी वन इज द राइट आंसर ठीक है जी क्लियर मतलब एक नंबर जो है वो 27 greater था तो उसको हमने X -27 कर दिया लेकिन वो कहता थर्टी फाइव में से अगर वही नंबर माइनस कर दे तो दोनों वो क्या हो जाएंगे इक्वल ठीक है उतना ही जितना वो ट्वेंटी सेवन से ग्रेटर था और थर्टी फाइव में से अगर वो नंबर कर दे वो उतना उससे ग्रेटर है तो हमने उसको इक्वेट कर दिया और वहां से आंसर निकाल दिया नाउ नेक्स्ट वन आफ्टर फोर्टीन ईयर आई शेल बी थ्री टाइम्स ओल्ड एज आई वॉज फोर इयर एगो अब क्वेश्चन में क्या है आफ्टर फोर्टीन ईयर की बात कर रहा है कि आफ्टर फोर्टीन ईयर आई वॉज थ्री टाइम्स आई वॉज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज फोर ईयर एगो मतलब फोर ईयर एगो में कितने एज का था एक्स माइनस फोर अगर मैं अभी एक्स का हूँ तो चार साल पहले था एक्स माइनस फोर तो उसके बाद आफ्टर फोर्टीन ईयर में कितने का हो जाऊंगा एक्स प्लस फोर्टीन कहता आफ्टर फोर्टीन ईयर जो मेरी एज है वो मेरी चार साल पहले जो एज थी उसका क्या हो जाएगी थ्री टाइम्स यानी थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फोर यही बोल रहा है कि जो जो के बाद जो मेरी हो मेरी होगी वो की है है उसका क्या टाइम्स राइट right? तो अब कर ये इसको ट्वेल्व तो को इधर ले आइए ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा एंड टू एक्स हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल्स टू थर्टीन तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई थर्टीन इज द राइट आंसर इज इट क्लियर एवरी तो मीन्स की जितना आपको करवाया जा रहा है उसको अच्छे से ड्रेस करिए क्योंकि एज रिलेटेड क्वेश्चन एंगल्स रिलेटेड क्वेश्चन रेशियो मोलिनियर के इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके फोर और फाइव क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक है तो उसको अच्छे से करिए ताकि प्रैक्टिस करिए अब सिर्फ आपके पास फोर डेज हमारे कंप्लीट हो गए वी हैव ओनली थ्री डेज एंड नेक्स्ट डे एग्जाम राइट right? तो जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए ओके okay? और कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस जो है आपकी जो लाइव क्लासेस हमारी चलती है उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है सो कॉन्टेक्ट दिस नंबर ओके अभिवान येस चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डे फाइव में राइट नए नए क्वेश्चन के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज सब्सक्राइब सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग